अमृतसर के मजीठा रोड फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरजीत कौर ने अपनी बहू अमरजीत कौर पर मारपीट करने व जबरन जायदाद का हिस्सा मांगने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा बेटा परमजीत सिंह पिछले कई सालों से विदेश में रहता है, जिसकी पत्नी अमरजीत कौर हमेशा आए दिन उसके साथ मारपीट कर और जबरन जायदाद का हिस्सा मांगती है और अक्सर ही मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट करती है, जिसकी वजह से मेरा जीना भी मुश्किल हुआ पड़ा है। इनके गलत हरकतों की वजह से मैंने इन दोनों पत्नी पत्नी को अपने जायदाद से बेदखल कर दिया था। अब कुछ दिन पहले फिर से मुझे बहू अमरजीत कौर की तरफ से तंग परेशान किया जा रहा है, जिसकी शिकायत इलाके के थाना संबंधित अधिकारियों को भी दे दी गई है, लेकिन पिछले 5 दिनों से हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हमारा प्रशासन से मांग है कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। गल इदा ही बीबी जी बेचारा जीण ही नहीं देंदे, जे न्याणे आउंदे आ ते हाँ कुछ ते फिर इन्ना गंदा बोलदे आ जेड़ा कोई सुनन वाला ही। कल राती पता की कहंदे ही, सानू कुड़ियां घर आण आण के देण, इन्ना गंदा गंदा बोलदे जेहड़ा साहब ही नहीं, बहुत ही चल। इसे गलो ही यही गल आ बड़ा ही। मैं तुम दसन डी 12 बजे तक एदा ही गंदा बोल दी रहे, इन्ना गंदा। हांजी दीती है, कुछ नहीं की हजे ते कारवाई, बस इन्हां नूं कड्डो। वही दूसरी ओर जब थाना प्रभारी से बात की तो उन्होंने बात को टाल मटोल कर दिया। अमृतसर से सनी सहोता, जीवे पंजाब टीवी।